जिला शिवपुरी मुख्यालय पर स्थित कलेक्टर परिसर के कई विभागों के कक्ष में शनिवार रात आग भड़क गई, जिसका पता अधिकारी को सुबह 5 बजे लगा। जब तक प्रशासन जागा और आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक कई विभागों के कई वर्ष पुराने रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। वहीं विभागों के रिकॉर्ड में आग लगने को संयोजित माना जा रहा है, तो वहीं आगजनी की इस घटना को शॉर्ट सर्किट से भी देखा जा रहा है। इस घटना के कुछ सीसीटीवी की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें दो अज्ञात व्यक्ति आग लगाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रात्रि में ड्यूटी कर चौकीदार भी तैनात रहते हैं। बताया गया कि सुबह 5 बजे कलेक्टर परिसर के कई कक्षा में धुआं देखा गया। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर संबंधित अधिकारियों ने नगर पालिका फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाने के लिए SDRF की टीम को बुलाया गया। इसके बाद सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पाया गया। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जो कलेक्ट्रेट का हिस्सा है, महरूम शाखा का और नाजिरात का जो पीछे का जो हिस्सा था, तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100-150 साल की पुरानी बिल्डिंग। तो वहाँ के हिस्से में जैसा अभी प्रकृति के कारण अभी आपको कैसे लगा, वहाँ के हिस्से में आग लगी थी। जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए, BJP फायर ब्रिगेड आए और इसको कोशिश से भी कुछ आती है। और बेसिकली जो नुकसान है, पुराने जो नाजिरात के रहते हैं, पौधा पुराने समय उनमें कोई रिकॉर्ड रूम का हमारा इधर कोई याद नहीं था। और जो इसके नजूर की कुछ चीज़ें जली हैं, लेकिन नजूर क्योंकि अब ऑनलाइन है, वो रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। करीब 5 से 6 कब्रों में और भीतर भी कचुकी सुलग रही थी। और इसको करके 3 फायर ब्रिगेड नगर पालिका के कर्मचारी, SDRF के प्लस पुलिस के, जो कलेक्टर के सब। क्या